ठीक है जी। सुनो, अगर आप एक एंड्रॉयड टीवी यूज करो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो यहाँ पे यूट्यूब के साथ अभी प्रॉब्लम आ रहा है, कांट कनेक्ट राइट नाउ से लिखा हुआ आता है, और ऐसा कुछ मैसेज आता है कभी आप यूट्यूब प्ले कर रहे हो, यहाँ पे एग्जिट यूट्यूब और भी बहुत सारे ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो अपनी टीवी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, और मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी टीवी वाईफाई से कनेक्टेड है बट लेकिन फिर भी ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है अपना यूट्यूब। तो अपना एक बार अपडेट चेक कर लेना प्ले स्टोर में, आपका टीवी अप टू डेट है यानी आपका जो एपीके होगा यूट्यूब वाला, ठीक है। उसके बाद मैं सेटिंग्स बताता हूँ। सबसे पहले डेटा सेवर को हमें ऑफ़ करना है, अगर आपका डेटा सेवर ऑन है तो यहाँ पर देख सकते हो डेटा सेवर हमें ऑफ़ कर लेना है, और डेटा अलर्ट को ऑफ़ करो ना करो बाकी वो आपकी बात है, बस आपको डेटा सेवर को यहाँ पर ऑफ़ कर लेना है। डेटा सेवर को ऑफ कर लेने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स का सेक्शन मिलेगा, आपको ऐप्स में चले जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको यूट्यूब एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसमें आपको डेटा को इसका क्लियर करना है। तो डेटा को क्लियर करोगे तो 3-4 बार कर देना एक साथ ही, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको नॉर्मली स्टेप वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। गाइस, डेटा क्लियर करने के बाद हमें अब अपने टीवी मैनेजर एप्लीकेशन में जाना है। अगर आपके पास किसी और कंपनी की एक एंड्रॉयड टीवी है तो आप डायरेक्टली अब रिस्टार्ट कर सकते हो अपनी टीवी को। अगर आपके पास मी टीवी है तो आप इसे ऑप्टिमाइज कर लेना एक बार, और जो इसका क्लीनर मिलता है आप इसे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप कर लेना। अगर आपके पास किसी और कंपनी की टीवी टीवी मैनेजर जैसा एप्लीकेशन है ही नहीं, तो आप इस 2 स्टेप फॉलो करने के बाद 3 स्टेप आप डायरेक्टली इसे रिस्टार्ट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने जो बताया कि आप सभी को अपना चेक करना है, सबसे पहले अपडेट, कोई अपडेट आया हो तो अपनी टीवी में अपने एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है, उसके बाद डेटा सेवर ऑफ करना है, उसके बाद आपको अपनी टीवी का यूट्यूब का डेटा क्लियर करना है। देन अगर आपके पास मी टीवी है तो यहाँ पे आप करना इसका टीवी मैनेजर में जाना है, ठीक है। अब हमें अपने टीवी को रिस्टार्ट कर लेना है, सिंपली आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड तक, और यहाँ पे आपको बीच में ऑप्शन मिल जाएगा रिस्टार्ट का, तो आपको जस्ट रिस्टार्ट कर लेना है अपनी टीवी को। और गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक वाले बटन को दबा दो यार, और चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसे दबा दो, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मैं एंड्रॉयड टीवी और मी टीवी से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, आ रहा होगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई वर्किंग है या नहीं है, बाकी अगर आपकी प्रॉब्लम कोई कुछ और है तो आप उसे भी लिख सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। तो देख सकते हो यहाँ पे टीवी ऑन हो गई है, अब हमें सिंपली यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ आपका अकाउंट चूज करने के लिए बोलेगा, क्योंकि हमने डाटा पूरा क्लियर किया था तो आपने जीमेल जो भी लॉगिन किया होगा आपसे वो पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये कम्प्लीटली वर्किंग है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।